वेलकम बैक। नॉर्दर्न इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद जिले में आंधी की वजह से आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। मलिहाबाद के आम न सिर्फ इंडिया में बल्कि गल्फ और यूरोप के मुल्कों में भी मशहूर हैं। यहां के मैंगो ग्रोअर्स का कहना है कि फॉरेन एक्सचेंज अर्नर होने के बावजूद सरकार उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही है। मलिहाबाद में पहली जून से लगने वाली आम मंडी में आमतौर पर हर साल चहल पहल रहा करती है, लेकिन इस साल आंधी की वजह से आम की पैदावार आधी हुई और मंडी में कोई खास एक्टिविटी भी नहीं है। ये इस आंधी ने तबाह कर दिया, समझिए कि 40%, 50%, कहीं 30%, इस तरह से आम गिर गया। बिल्कुल इसने तो तबाह कर दिया मलिहाबाद को। एक तो फूल बहुत अच्छा मलिहाबाद में था, लेकिन काफी बीमारियों की वजह से, घनाओं की वजह से काफी नुकसान हो रहे हैं। ग्रोअर्स के मुताबिक पिछले कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब आम की पैदावार को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा हो। इसका सीधा असर आम की कीमतों के साथ साथ आम के एक्सपोर्ट पर भी पड़ रहा है। ग्रोअर्स का कहना है कि एक्सपोर्ट से करोड़ों रुपए की फॉरेन करेंसी की आमदनी के बावजूद सरकार किसी तरह की कोई इमदाद नहीं दे रही है। करोड़ों रुपए का हम फॉरेन करेंसी आम के जरिए से मलिहाबाद में हिंदुस्तान को लाते हैं, लेकिन मलिहाबाद किसानों को या यहाँ के फार्मर्स को या बाग मालिकों को कोई फायदा नहीं। जितनी और बहुत सी फसलें हैं उनको तबाह होने के ऊपर उन्हें एड मिलती है, या कम से कम ऐसा होता है कि जो कर्ज किसानों के माफ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई फायदा या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग एड नहीं मिलती। स्टेट गवर्नमेंट ने 1985 में मलिहाबाद के इस पूरे इलाके को मैंगो बेल्ट डिक्लेयर किया था और यहाँ एक रिसर्च सेंटर भी खोला था, लेकिन मैंगो एक्सपोर्टर्स की शिकायत है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हवाई जहाज के फ्रेट में रियायतें नहीं मिल रही हैं। ग्रोअर्स की यह भी शिकायत है कि उन्हें दिल्ली और मुंबई के बड़े एक्सपोर्टर्स पर डिपेंड करना पड़ता है। हमारा मलिहाबाद का आम, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि दुनिया का सबसे साइज में, फ्लेवर में, कलर में सबसे अच्छा आम है, लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि अभी तक हम फॉरेन मार्केट में इसे इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। हवाई जहाज़ का किराया इतना ज़्यादा है कि जो दूसरे कंट्रीज से आम दूसरे फॉरेन मार्केट में जाता है उससे हमारा आम कम्पीट नहीं कर पाता। मलिहाबाद के दशहरी, चौसा और सफेदा आम अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों में भी काफी पॉपुलर हैं। मैंगो ग्रोअर्स का कहना है कि पाकिस्तान, ब्राजील और कई अफ्रीकन मुल्कों से कंपटीशन बढ़ रहा है और अगर सरकार ने उनकी मदद नहीं की तो इंटरनेशनल मार्केट में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सदर्न इंडियन सिटी बेंगलोर में 2 दिन के रिकॉर्ड टाइम में मकान बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन मकानों पर अर्थक्वेक का असर नहीं होगा और कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के मुकाबले में ये मकान सस्ते भी हैं। 2 लाख रुपए और 2 दिन का समय, बस इतने में आपके लिए बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम और स्टोर, यानी कि रहने के लिए एक घर तैयार हो जाएगा। और तो और, न सिर्फ आपका मकान सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा, बल्कि कीड़े मकौड़ों रहित, डैम्प प्रूफ और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी होगा। First is cost, another is quality, and then ease of construction and time of construction. These are the 4. Few men with not much sophisticated type of tools can assemble a house together in the United States in about 4 hours. And here, that might take about 1 day for assembling one house. Alternative building material par kareeb 10 saal tak research karne ke baad polystyrene building material और फायर ट्रीटेड बायोलॉजिकल वेस्ट के साथ स्टील फ्रेम्स का कॉम्बिनेशन इन इंस्टेंट मकानों के लिए काम में लाया गया। ये मकान अब तक ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अमेरिका, न्यूजीलैंड और जमैका में बनाए जा चुके हैं। इनमें से कुछ तो 5 मंजिला इमारतें भी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया की हाउसिंग नीड के लिए इस तरह की लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत है। वी नीड अबाउट 79 मिलियन हाउसेस टू प्रोवाइड अ डीसेंट शेल्टर टू ऑल द मासेस बाय 2000. And I went through the various technologies throughout the world. I find that the present technology ideally fits into our country, wherein we can definitely provide towards this mammoth figure of 79 million houses. So I think this is the only solution at present. Conventional building contractors ko bhi is technology se kafi ummeede hain. This construction is fast construction, accuracy, because we will manufacture at factory and direct here. And very quick requirement of requirement. लगातार बढ़ती आबादी से जो सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है वो है हाउसिंग की। कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल न सिर्फ महंगे होते जा रहे हैं, उनकी अवेलेबिलिटी भी एक बड़ी समस्या है। फिलहाल बेंगलोर में इस टेक्नोलॉजी से एक मॉडल हाउस अभी तैयार किया जा रहा है। निवेदिता मुखर्जी, जी न्यूज, बेंगलोर।
हाल ही में बनाई गई पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा है कि मुल्क की वुमेन क्रिकेटर्स को मेल प्लेयर्स के साथ मैचेस खेलने की इजाजत दी जानी चाहिए। पाकिस्तान में पहली बार वुमेन्स क्रिकेट टीम बनाई गई है और कई इस्लामिक पार्टीज मेल प्लेयर्स के साथ खेले जाने वाले ऐसे मैचेस का विरोध कर रही हैं। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन को गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन ये एसोसिएशन अब पूरे पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट टीम्स बनाने की कोशिश कर रही है। कराची में पहली वुमेन क्रिकेट टीम बनाए जाने के बाद अब पंजाब और बलूचिस्तान में भी इस तरह की टीम्स बनाई गई हैं। हम लोग उनमें से नहीं जो इतनी इजीली गिव अप करें। जब तक पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट लड़कियों में पॉपुलर नहीं हो जाता और हर दूसरे कॉलेजेस के टूर्नामेंट्स और सिंध और पंजाब के टूर्नामेंट्स और बलूचिस्तान और पंजाब के और सिंध के टूर्नामेंट शुरू नहीं हो जाते और जब तक इसकी एक सॉलिड फाउंडेशन नहीं बेस हो जाती, तब तक हम इसको बहुत मेहनत से चालू रखेंगे। कई लोगों का कहना है कि इस्लामिक मुल्क होने के नाते पाकिस्तान में महिलाओं को इस तरह से क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन वुमेन प्लेयर्स का कहना है कि उनका क्रिकेट खेलना पूरी तरह से इस्लामिक दायरे के अंदर है। अगर पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है तो ये पहले फिर फिल्म इंडस्ट्री को रोकें, which is I think if you want to categorize as un-Islamic would be at the film industry itself. और ये एक स्पोर्ट है, यहाँ पे बॉल के पीछे भाग रहे हैं, बैट मार रहे हैं, बाउंड्री हो रही है, इसमें क्या मुस्लिम तो कौन, क्या नॉन मुस्लिम, इसमें स्पोर्ट्स का कोई मजहब तो नहीं होता। कुछ अरसा पहले वुमेन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के रिटायर्ड मेल क्रिकेटर्स के साथ एक मैच ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन इस्लामिक पार्टीज के दबाव में इसे आखिरी वक्त पर कैंसिल कर दिया गया। क्रिकेट एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क में वुमेन क्रिकेट खिलाड़ी काफी कम हैं, इसलिए उन्हें इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए मेल प्लेयर्स के साथ खेलने की इजाज़त होनी चाहिए। जी, लड़के और लड़कियाँ एक साथ क्रिकेट खेल सकते हैं क्योंकि ये गेम है और जैसे घर में लड़के लड़की साथ मिलकर खेलते हैं तो क्रिकेट के मैदान में भी ऐसा ही होता है। कुछ प्लेयर्स ने यह भी कहा है कि इस्लामिक पार्टीज ने उनके सिर्फ मेल प्लेयर्स के साथ खेलने पर एतराज किया है, वरना उन्हें इसकी पूरी इजाजत दी गई है। फ्री इजाजत है हमको, उन्होंने कहा इस लॉन्ग के साथ लड़कियों के साथ खेलते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वुमेन क्रिकेटर्स ने यह भी कहा है कि वे महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत कर दिखाएंगी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच रोमांचक क्रिकेट मैचेस का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर्स की यह हसरत है कि उनका जोरदार मुकाबला इंडिया की महिला क्रिकेट टीम से हो। ये वुमेन क्रिकेटर्स अपने मुल्क के मेल क्रिकेटर्स की तरह ही नाम कमाने की ख्वाहिश रखती हैं। लेडीज में इमरान खान की जैसी शोहरत कर पाएंगी, उससे ज्यादा शोहरत कर पाएंगी, आई मीन काफी पॉसिबल है। इन वुमेन प्लेयर्स के मैचेस अक्सर आखिरी वक्त पर कैंसिल हो जाते हैं और इससे ये खिलाड़ी काफी नाराज हैं, लेकिन इन्हें यकीन है कि पाकिस्तानी सोसाइटी जल्दी ही वुमेन क्रिकेटर्स को एक्सेप्ट कर लेगी। लड़कियों को एक जिद की आदत पड़ जाए तो वो कुछ भी कर सकती हैं एंड आई एम श्योर वालदैन उनको सपोर्ट जरूर करेंगे। ये महिला खिलाड़ी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर से काफी इंप्रेस्ड हैं। इनका कहना है कि सियासत के मैदान में जब बेनजीर नवाज शरीफ का सामना कर सकती हैं, तो क्रिकेट के मैदान में महिलाएं इमरान खान या वसीम अकरम का मुकाबला क्यों नहीं कर सकती। एंड बिफोर वी एंड, लेट्स टेक अ क्विक लुक एट व्हाट्स हैपनिंग इन सम ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हांगकांग और जर्मनी में कल हजारों प्रोटेस्टर्स ने तियानमेन स्क्वायर की प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग की एनिवर्सरी मनाई, लेकिन चाइना में इस एनिवर्सरी के मौके पर कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई। 7 साल पहले हुए इस स्टूडेंट रिवोल्ट का यहाँ अब कोई निशान बाकी नहीं बचा है। उस समय स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गोलियां चलाकर कई अनार्म प्रोटेस्टर्स को मार दिया था। हांगकांग में लोगों ने इस मैसेकर की याद में एक कैंडल लिट डेमोन्स्ट्रेशन किया। बाद में इन लोगों ने चाइनीज प्रीमियर ली पिंग की पोर्ट्रेट को भी जलाया। तियानमेन स्क्वायर के ब्लडशेड के लिए ली पिंग को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। जर्मनी में भी कई चाइनीज नेशनल्स ने प्रोटेस्ट किया। इन लोगों ने चाइनीज एम्बेसी की फेंस पर बड़े बैनर्स लगाए। ये लोग एंटी चाइनीज स्लोगन्स चांट कर रहे थे। कैलिफोर्निया में चल रहे एक केस में एक पिग पर लगाए इल्जाम वापस ले लिए गए हैं। ट्यूलिप की ओनर बेकर पर उसे लीश के बिना खुला छोड़ने का आरोप था, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स ने उसके खिलाफ लगाए गए चार्ज को वापस ले लिया। बेकर के अटर्नी का कहना है कि सबर्बन पासाडेना में कुत्तों को बांधकर घुमाने के लिए कानून है, लेकिन ये कानून पिग्स पर लागू नहीं होता। उनके मुताबिक शायद प्रोसिक्यूटर्स को लगा कि वे जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने केस वापस ले लिया। बेकर पर चार्ज था कि उसने 2 बार ट्यूलिप को बिना चेन के खुला छोड़ा। बेकर ये मानती हैं कि 80 किलो के वजन की वजह से ट्यूलिप को लार्ज साइज वाला कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। छूटने के बाद बेकर और ट्यूलिप अपने मनपसंद रेस्टोरेंट में फ्रेंच फ्राइज खाते दिखाई दिए।
साउथ कोरिया का एक रोप वॉकर अपने कारनामों से काफी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। हवा में अपने आप को एक रोप पर बैलेंस करके वो अपने गानों और चुटकुलों से लोगों को बहलाता है। इस रस्सी पर कूदने और छलांग लगाने के अलावा वो और भी कई एक्रोबैटिक्स के करतब करता है। कभी कभी तो वो इस रोप पर लेग्स क्रॉस करके बैठ भी जाता है। 19 साल का किम टाइट रोप वॉकिंग के ट्रेडिशनल स्कूल का एक लौता एयर है। उसने 9 साल की उम्र से रोप वॉकिंग की ट्रेनिंग शुरू की थी। ट्रेडिशनल कोरियन रोप वॉकिंग में एक्रोबैटिक स्किल्स के अलावा ड्रामा, म्यूजिक, सॉन्ग और जोक्स भी सिखाए जाते हैं। इसमें टाइट स्टील के बजाय इलास्टिक रोप का इस्तेमाल किया जाता है। इस रोप वॉकर का ये शो आधे घंटे तक चलता है और इसमें ट्रेडिशनल कोरियन रोप वॉकिंग की कुछ हाइलाइट्स ही होती हैं। अब ये रोप वॉकर अपनी स्किल्स के लिए कोई सक्सेसर ढूंढ रहा है, मगर कोई भी 9 साल का बच्चा हार्ड ट्रेनिंग और ऊंचाई के डर से रोप वॉकिंग नहीं सीखना चाहता। And that's all in this bulletin. From all of us in the newsroom, good night.